कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडर्स हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट, और ये बात काफी हद तक सच भी है। ऑप्शंस मार्केट की वजह से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हाय, आई एम ऋषभ शर्मा, दिस इज एस्प्रेसो बूटकैंप। हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू टू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं, इनके क्या टाइप्स होते हैं, ये क्यों यूज होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। ऑप्शंस अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑप्शंस वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बायर्स को राइट देते हैं उसके अंडरलाइंग एसेट को बाय या सेल करने के लिए। द बायर ऑफ द ऑप्शन इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, यूरोपियन ऑप्शंस। ये वो ऑप्शंस हैं जिन्हें एक बायर सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही एक्सरसाइज कर सकता है। सेकंड, अमेरिकन ऑप्शंस। अमेरिकन ऑप्शंस को एक्सपायरी पर या उससे पहले भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। इंडिया में हम यूरोपियन ऑप्शंस को ही ट्रेड करते हैं। दोस्तों, यू नीड टू रिमेंबर दैट द लॉट साइज इन एफएनओ ट्रेडिंग इज फिक्स्ड। This means that the minimum quantity of the underlying asset that you can buy or sell is fixed. For example, ये image आपको cash, options और futures के सारे parameters compare करके बताता है कि अगर एक trader या investor किसी company के stocks buy करना चाहता है तो उसको कितना maximum profit होगा और कहाँ होगा। दूसरा, उसको सबसे ज्यादा अमाउंट कौन से सेगमेंट में लगेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा प्रॉफिट तो फ्यूचर्स में मिलता है, देन वाई ऑप्शंस? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों ही ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को बिना कोई एसेट खरीदे उस एसेट के प्राइस मूव का फायदा उठाने देता है। फ्यूचर्स में ऑप्शंस के कंपैरिजन में मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। तो अब सवाल है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग की शुरुआत कहां से करें। जैसे ही आप डीमैट अकाउंट खोलते हो, आप एफएनओ ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। एस्प्रेसो पर डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स हैं पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट के लिए एक आपका कैंसिल चेक, और प्रूफ ऑफ इनकम के लिए सैलरी स्लिप और कुछ फोटोग्राफ्स। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। टेल अस व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।